बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शेफ हसनैन। आप देख रहे हैं फूड फैशन। आज मैं आपके लाया हूँ सुपर इजी रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त चाइनीज़ में आलमंड चिकन। और इसके लिए ऑफ़ कोर्स चिकन चाहिए आलमंड चिकन बनाने के लिए, और डेफिनेटली उसके लिए बादाम भी चाहिए जिसको हमने घी में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। इसके साथ ही वॉस्टर्शिया सॉस इसमें जाएगी, सोया सॉस, चिकन पाउडर है, थाई चिली पेस्ट है, केचप है इसमें। इसके अलावा और स्पाइसेस जो नॉर्मल होते हैं वो भी ऐड करेंगे, और थोड़ी सी ग्रीन ऑनियन और रेड कैप्सिकम क्यूब्स ये जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करूँगा। सुपर इजी रेसिपी है, बहुत ही झटपट बनने वाली है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और बहुत ही मज़ेदार। इसके सौते कर दी तो वेवर, इधर हम फ्राई कर रहे हैं चिकन आलमंड चिकन के लिए। चिकन को मैंने पहले आपको कई दफ़ा बताया है कि चाइनीज़ की जो भी मैरिनेशन वो एक ही होती है, जिसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर वगैरह, थोड़ा सा नमक वगैरह ऐड करके, और अंडा। तो चिकन को हमने मैरिनेट कर लेना था, उसके बाद फ्राई कर लेते हैं। इसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। तो गार्लिक सौते होते ही मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया थाई चिली पेस्ट, इसको फुल फ्लेम के ऊपर पका लेना है थोड़ा सा। आपने पानी का इसमें छींटा या उसका चिकन स्टॉक का ज़रूर लगाना है, वरना ये बिल्कुल जल जाएगा। थोड़ा सा ये सोते होता है तो इसके साथ ही इसमें चिकन ऐड कर देंगे, और बाकी स्पाइसेस जो मैंने आपको बताई हैं और सॉसेस। जी तो व्यूअर्स, अब इसमें ऐड कर दिया हमने थोड़ी सी केचप, वर्स्टर्शायर सॉस, सोया सॉस हाफ हाफ टीस्पून इसमें ऐड किया है। इसमें रोस्टेड जो बादाम थे वो ऐड किए हैं चिकन, और अब इसमें थोड़ा सा रेड कैप्सिकम और स्प्रिंग ऑनियन ये भी इसमें ऐड करते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चाइनीज सॉल्ट, या इसमें चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं, और नमक। तो इसको फुल फ्लेम के ऊपर अब बस एक मिनट के लिए हमने टॉस करना है, और उसके बाद हमारा ये रेडी होगा। बहुत ही ज़बरदस्त, सुपर इजी, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। देख सकते हैं लुक इसकी माशाल्लाह। तो इसके थोड़ा सा मैं पानी का एक टेबल स्पून पानी इसमें ऐड करूँगा, ताकि या अगर चिकन स्टॉक आए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बस एक मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पर पकाना है, और ये रेडी है। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, अब बना रहे हैं फ्राइड राइस, मतलब गार्लिक मशरूम राइस। उसके लिए मैंने ऑयल थोड़ा सा तकरीबन एक टेबल स्पून पैन में डाल दिया है। इसमें ऐड कर रहा हूँ मशरूम और चॉप किए हुए लहसुन। इसको थोड़ा सा भुनाई कर लेंगे। सौते करके इसमें राइस और बाकी जो स्पाइस हैं वो ऐड कर देते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ऐड किए हैं रेड कैप्सिकम, ग्रीन ऑनियन, वाइट पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, नमक और चाइनीज सॉल्ट, अगर आप ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं राइस ऐड कर दूंगा और मिक्स कर दूंगा। तो हमारे गार्लिक मशरूम राइस तैयार हो जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो व्यूअर्स, देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी सुपर इजी रेसिपी तैयार है, चिकन आलमंड, वो भी चाइनीज़ स्टाइल में, और साथ में मशरूम गार्लिक राइस, बहुत ही ज़बरदस्त। और लुक दे सकते हैं, इसके ऊपर मैंने सेसमी थोड़े से स्प्रिंकल किए हैं, तो इसको आप टेस्ट भी करते हैं। तो ये राइस और साथ में चिकन आलमंड, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है। इस तरह की मेरी सुपर इजी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और स्टे कनेक्टेड। तो इसको ट्राई भी करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। इसमें मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है, वो है थोड़ी सी इसमें स्वीटनेस की,
उसके लिए आप इसमें थोड़ा सा हनी या शुगर ऐड कर सकते हैं, हाफ टी स्पून जितना, तो फिर ये परफेक्ट बिल्कुल। अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी सी स्वीटनेस की कमी है, या आप थोड़ा सा इसको स्वीटी स्वीटनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त बना है, तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। और दो में याद रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।